अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। वेलकम मेरे चैनल मरी लाइफस्टाइल पर। तो जी, यह है मेरा नारायण कहान का व्लॉग। हम जा रहे हैं नारायण कहान, यह है मरी मोटरवे। तो यहाँ का मौसम तो काफ़ी अच्छा है, जैसे कि आप देख सकते हैं बादल आए हुए हैं। सुबह के हो रहे हैं 8 और हम अभी पहुंच गए इस्लामाबाद। इस्लामाबाद में भी काफ़ी अच्छा मौसम था और हम गए थे हज़ारा मोटरवे से। तो अभी आएगा इस्लामाबाद टूर प्लाज़ा, उसके बाद हज़ारा मोटरवे। जैसे कि आप देख सकते हैं मोटरवे आ चुका है, टूर प्लाज़ा आ गया है। काफ़ी लंबा सफ़र था, हम घर से 7 बजे निकले थे मरी से और 8:30 हम यहाँ टूर प्लाज़ा पर थे। फिर हम गए हरिपुर पकोड़े खाने। सलीम भाई के पकोड़े बहुत मशहूर हैं, आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। हमने भी सुना था काफ़ी और खाए तो बहुत मज़ा आई। इनका घर का चारों तरफ काफ़ी टेस्ट होता है, सो बहुत ही मज़ा आया हमें। फिर हम हज़ारा मोटरवे की तरफ चल पड़े। ये देख सकते हैं सामने से एबटाबाद नज़र आ रहा है, हज़ारा नज़र आ रहा है सारा। बहुत प्यारा व्यू था और बहुत मज़ा आया हम लोगों को। हम लोग हज़ारा मोटरवे से, हालांकि हमें लंबा पड़ रहा था रास्ता, लेकिन हम सिर्फ टनल की वजह से वहाँ से गए, बिकॉज हम बहुत एक्साइटेड थे टनल के लिए कि हमें टनल देखना है। तो हम वहाँ से गए और बहुत इन्जॉय किया, बहुत अच्छा लगा। और ये देखिए जी, टनल करीब है हमारे, टनल आ चुका है। जैसे कि आप देख सकते हैं Thank you.
तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हम पहुंच गए हैं नारान। अभी हम नारान बाज़ार में हैं और बहुत इंजॉय भी कर रहे हैं। अभी अभी पहुँचे हैं लेकिन बहुत एग्जॉस्टेड हो गए हैं, मतलब एग्जॉस्ट हो गए हैं। सफ़र बहुत थका देने वाला था, हमें टोटल 12 घंटे लगे हैं क्योंकि लैंडस्लाइडिंग हो गई थी जिसकी वजह से ट्रैफिक बहुत जैम था। तो हम 12 घंटे बाद जाकर पहुँचे हैं, सुबह 7 बजे निकले थे और अब 7:30 बजे यहाँ पहुँचे हैं। तो काफ़ी रौनक है यहाँ पर, काफ़ी अच्छी खासी रश है और रेट्स तो बहुत हाई हैं होटल के। ये आप देख सकते हैं काफ़ी रश है यहाँ पर। अभी हम पहुँचे हैं, फ्रेश हुए हैं, अब हम इंशाल्लाह डिनर करने जाएंगे, फिर आपको बताएंगे कि हमने क्या खाया। हम लोग अपनी कैंपिंग भी करेंगे और अपना खाना पकाना भी खुद करेंगे, लेकिन वो इंशाल्लाह कल सुबह करेंगे। कल सुबह हम इंशाल्लाह झील से फिर मुलुक जाएंगे, फिर आप लोगों को वो भी दिखाएंगे। अभी इस टाइम रात के 8 बज रहे हैं और रौनक काफ़ी ज़्यादा है। अभी हम डिनर पे जाने वाले हैं, फिर आपको बताते हैं। तो हमने डिनर किया था लाहौर रोस्ट में, बिल्कुल मेन नारान बाज़ार में है ये, जैसे कि आप देख सकते हैं जी। तो डिनर हमने कर लिया है, अब हम घूमेंगे नारान बाज़ार में, फिर आपको दिखाते हैं जी। पहले हमने गाड़ी में से सामान नहीं निकाला था, अभी हम अपने कपड़े वगैरह निकाल के प्रेस करने के लिए दे देंगे, फिर हम सुबह इंशाल्लाह झील से हम लुक जाएंगे जी। तो हो गई अगली सुबह और अभी बज रहे हैं 10:15 और हम जाने झील से हम लुक की तरफ। तो अभी चलते हैं जाकर जीप में बैठते हैं, देखिए सुबह का व्यू है जी। तो हम जा रहे हैं झील की तरफ और काफ़ी गर्मी है यहाँ पर। ये जी हमारी जीप आ गई है। Oh my God! Thank you. Oh, you love it. It's so difficult, yaar. So what are you doing, mama? Oh my God! It's so tough. हम बैठ गए हैं जीप में, अब हम जाने वाले हैं। Oh my God! यूरियो। ओह बहुत मुश्किल है यहाँ से पार होना। ये भी एक वो है इम्तिहान। So let's see आप क्या करते हैं। के बाद पहुंच गए। यहाँ पर मुझे ऑक्सीजन की कमी लग रही है।
अभी जीतू जा सकता था क्या जीतू जा सकता जी। तो अब टाइम हो रहा है, दिन के 1 बज रहे हैं और हम वापसी करने वाले हैं। और एक्सपेक्ट किया था कि थोड़ी ठंड होगी, मतलब मौसम थोड़ा सर्द होगा, लेकिन हमें तो काफ़ी गर्मी लग रही है क्योंकि धूप बहुत तेज़ है। तो अब हम जा रहे हैं अपने होटल की तरफ। जी तो हम होटल जाने के बाद, यानी कि हम गए थे बक्सर टॉप, जो कि मैं आपको अगले व्लॉग में बताऊंगी। ये व्लॉग लेंथी हो रहा था और आप लोग बोर हो जाते ज़ाहिर है। तो मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।